जब हम खाद के केंद्र में वितरण केंद्र में गए तो वो सरकारी केंद्र बंद पड़ा था, दो प्राइवेट केंद्र खुले थे, उसमें लाइनें लंबी लंबी लगी थी, खाद नहीं मिल रही है, मटर चना गेहूं का दाम नहीं मिलता, सिंचाई के लिए पानी नहीं है। भूपेश बघेल जी ने कहा कि आवारा पशु की जो समस्या है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ बुंदेलखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी थी। लेकिन जब सरकार की नीयत ठीक थी, इनकी सरकार की ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसी योजना बनाई कि अब वहां पे यह समस्या नहीं है। वो कह रहे हैं कि गोबर को भी खरीदते हैं, किस लिए? ताकि ये समस्या दूर हो, ताकि आवारा पशु न घूमे। यहां उत्तर प्रदेश की सरकार तो ये मानती और पहचानती भी नहीं है कि ये एक बड़ी समस्या है। हम 2019 के चुनाव में जब यहां आए थे तो मुझे याद है कि यही समस्या सब किसानों ने बताई। आज 2 साल हो गए हैं, 3 साल होने को जा रहे हैं, अभी भी ये समस्या, इस समस्या को हल करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। 1500 किसानों ने आत्महत्या की है सिर्फ बुंदेलखंड में। आप सब जानते हैं कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, डीजल और पेट्रोल का क्या दाम हो चुका है, यहां से बहुत पलायन होता है, और पलायन इसलिए होता है क्योंकि रोजगार बुंदेलखंड में नहीं मिलता। आपने देखा कोरोना के समय जिनका जहां बड़े बड़े शहरों में बुंदेलखंड के भाई बहन थे उनको किस तरह से घर आना पड़ा, परिवार पूरा परिवार पैदल चल रहा है, नंगे पांव चल रहा है, खाने को नहीं है, कोई मदद नहीं है सरकार से। जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम बसें देंगे तो सरकार ने बसें ली नहीं हमसे, और अब जब इनकी बड़ी बड़ी मीटिंग होती है तो बसों की लाइन लग जाती है कि बस भरो लाइए मीटिंग में लिए कि दिखे कि कितनी भीड़ आई है हमारी मीटिंग में। लेकिन जब जरूरत थी आपको, जब आपके बेटे आपके भाई बहन दिल्ली से अन्य शहरों से पैदल यहां आ रहे थे क्योंकि लॉकडाउन अचानक किया गया बगैर उनके बारे में सोचे, तब ये सरकार कहां थी?